देश सपा के हैं तभी तुम्हारे बोल रहे हैं। इस देश का नागरिक हो, यहाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। कौन बनाया ये कूड़ा घाटा? ढाई नहीं पूछिए, ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा, ये कूड़ा घाटा की नहीं। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि कोई अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका भी बड़ाई करना चाहिए। भैया एक एक करके बोलिए, क्योंकि न कि एक ही व्यक्ति ये सोचे आज हमारे देश में ये हिंदू राष्ट्र है कि नहीं है। हमारा मंदिर ना बने, हमारा अयोध्या में राम मंदिर ना बने। अरे विपक्ष भी तो काम कर रहा है, अखिलेश ने तो, अरे रुकिए, अखिलेश ने तो काशी की नींव रखी थी, आप क्या बात कर रहे हैं? अखिलेश झूठ बोलते हैं, करते नहीं है। कोविड में जो सब सरकार नहीं कर पाया, सभी सरकार हार गए थे, लेकिन हमारे मोदी जी के कारण आज अपना बनारस जो है ना पूरे विश्व में सबसे नंबर एक पर है। और हमारे जो मोदी जी ये कार्य कर लिए ना, और कोई सरकार कर नहीं पाती। अगर आप तो भाजपा ही नहीं है, हम इस देश के नागरिक है ना, हम नागरिकों को जो मौलिक अधिकार चाहिए, मौलिक चीजें चाहिए, उसको वो प्राप्त करना चाहता है। मौलिक अधिकार नहीं मिला। हमारा पॉल्यूशन अभी जस के तस बना हुआ है, ट्रैफिक जस की तस बनी हुई है, बताइए इसमें कितना सुधार हुआ है? सरकार देगी कि जनता खुद देगी? ये देखिए कबर लगाए, मैं सपा, ये सपा के हैं तभी तुम्हारे बोल रहे हैं। इस देश का नागरिक हो, यहाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। कह रहे पॉल्यूशन है, जनता को खुद सुधरना पड़ेगा, पब्लिक को सुधरना पड़ेगा, जनता का। आप पॉल्यूशन आप कम करेंगे, गाड़ी कम चलाइए, गाड़ी में से धुआं कम करिए। पॉल्यूशन कौन कम करेगा? कंट्रोल करने के लिए जो संबंध, कंट्रोल सरकार करेगी, मानना तो आपको। हम बता रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कुछ बदलाव नहीं, इसके पहले देश में भाजपा ही है। इसके मैडम एक सेकंड, इसके पहले पॉल्यूशन नहीं था क्या? भैया एक सेकंड भैया उनसे पूछिए मैडम कि इसके पहले पॉल्यूशन नहीं था क्या यहाँ पे? इसके पहले नहीं था? उस समय राहुल गांधी सोनिया गांधी से नहीं पूछे ये बात? आपको पूछना चाहिए। मान्यवर जो सरकार में होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पहले क्या था उसने मतलब है? मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड भैया इसके घर था, इसके पहले ये कूड़ा घर था, अभी मल्टी स्टोरी पार्किंग बना है। मैडम देखिए, मेरी मतलब है, मेरी सरकार है, सारे लोग मस्जिद के बारे में और उसके बारे में बात कर रहे थे। आज अगर हम लोग काम कर रहे हैं, काम करके दिखा रहे हैं, पूरा पॉल्यूशन हटाने का भी व्यवस्था हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं उस पर चर्चा नहीं हो रहा है, उस पर भी चर्चा होता है। कूड़ा घर था कि नहीं? लटकाने भटकाने, कूड़ा घर था, ये इन्होंने कहा हटाने का हो रहा है, मोदी जी ने कहा लटकाने भटकाने का। कौन बनाया ये कर रहा है? पूछे कौन बनाया ये कूड़ा घर था? ढाई नहीं पूछिए, ये भाग जाएगा, ये भाग जाएगा, ये कूड़ा घर था कि नहीं? करिए उंगली से मत दिखाइए, मुंह से बात करिए। अरे एक एक करके इनको बहुत कष्ट हो रहा है, ये आप भी और भाजपा। हम भाजपा ही नहीं है, हम जनता हिंदुस्तान के नागरिक है। एक एक करके पीछे होइए, पीछे 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 पीछे। देखिए आज मोदी जी की देन है, आज जो ऐसा नहीं है कि ये बाहर से आए हुए हैं, लेकिन भैया लेकिन इनको सोचना चाहिए कि कोई अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो उसका भी बड़ाई करना चाहिए। भैया एक एक करके बोलिए, क्योंकि न कि एक ही व्यक्ति के बारे में ये सोचे आज हमारे देश में ये हिंदू राष्ट्र है कि नहीं है। हमारा मंदिर ना बने, हमारा अयोध्या में राम मंदिर ना बने। अरे मंदिर बने तो संपूर्ण विकास होना चाहिए ना, सार्वभौमिक विकास होना चाहिए ना, मौलिक विकास होना चाहिए मंदिर में। नहीं 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 मैडम एक सेकंड मौलिक विकास हुआ है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते और योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही, सभी तरह का हुई थी पहले। ये उनका दिल्ली जान रहा है कि पहले कितनी विकास हुई थी। खाना खाएंगे ये, हाथ पोछेंगे मोदी, पॉल्यूशन वाजपेयी है, लंबा लंबा देखते हैं, पॉल्यूशन फैला है जनता। हमारा मोदी तो पूरा भारत चला रहा है, ये अपना घर नहीं चला सकता, ये क्या बतियाएगा? हमारा पर्सनली कमेंट मत करिए, पर्सनल नहीं बोलिए, पर्सनली वाली बात नहीं है। मैडम एक चीज आपको बता दे, मैडम देखिए पीछे थोड़ा सा पीछे हो जाइए, डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा सा, हो गया? यहाँ की जनता पूरे दिल से कहती है वो भाजपा ही है, पूरी जनता भाजपा ही है, हिंदुस्तान भाजपा ही है। यूथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए अंदर पहुंच चुके हैं। उनके हाथ में गंगा जल था और वो रेड कार्पेट से होते हुए अंदर की तरफ आए। अब वो उसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पूरे 30 घंटे तक रहेंगे, आज और कल। कल भी यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोग्राम है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया लोगों द्वारा आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बुलाया गया है और उनके द्वारा ही यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अभी उद्घाटन होगा। और मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि किस तरीके से टाइम शेड्यूल बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। एक एक करके वो काशी के सारे मंदिरों में गए हैं, वहाँ पर जाकर मत्था टेका है, उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। आप उस तरफ नज़र मारिए, देखिए किस तरीके से पूरा भीड़ जनसैलाब यहाँ पर मौजूद है। लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनको सुनने के लिए। देखिए सुबह 9:20 पे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचे थे, जिसके बाद 10:40 तक प्रधानमंत्री वाराणसी एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। उसके बाद उन्होंने यहां पर एक समय आरक्षित किया, जिसके बाद ही वाराणसी आए और अलग अलग मंदिरों में गए। देखिए साथ ही उसके बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हेलीपैड से वहां पर पहुंचे 11:30 बजे। फिर 12 बजे उन्होंने काल भैरव मंदिर का दर्शन किया और उसके बाद 1 बजे प्रधानमंत्री दर्शन पूजन के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए। अंदर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अंदर पूजा अर्चना चल रही है। डमरू बजाए गए, ढोल नगाड़े बजाए गए प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। रेड कार्पेट बिछाया गया था और भव्य तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। देखिए श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण कार्यक्रम जो है वो 1:25 पे शुरू होगा और 1:25 पे ही यहाँ पर जो लोकार्पण कार्यक्रम है वो होगा और उसी को देखने के लिए यहाँ पर लोग एकजुट हुए हैं और प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए। देखिए आपको बता दें, अंदर मीडिया अलाउड नहीं है। अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पर कोई भी सैटेलाइट मीडिया अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं, बाहर से ही पूरा आपको जायजा दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर उत्साहित हैं और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अरे राजा हम के बनारस घुमाएगा, ए राजा हम के बनारस घुमाएगा, चल के गोदौलिया कपनवा खियादा, चल के गोदौलिया कपनवा खियादा, ए राजा हम के बनारस घुमाएगा। आज इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे बनारस की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 2022 में योगी सरकार आएगी, उसको रोकने के लिए कोई ताकत नहीं हो सकती है। बस आने वाले समय में योगी सरकार यहाँ आएगी। 2022 में चुनाव है, आएंगे और 2027 में मोदी जी भी आएंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लगातार ये लोग बोल रहे हैं कि 22 में योगी जी आएंगे और 24 में मोदी जी आएंगे। गाने गा रहे हैं यहाँ पर लोग कितने ज्यादा। आई के पान बनारस, बनारस में जो मस्ती वाला माहौल है वो बन चुका है पहले ही। और काशी में ये लोग झूम रहे हैं, मस्त मगन हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर है और इतने सालों से जिसका इंतजार था वो पूरा हो गया है। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनने वाला है, उसका उद्घाटन हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर बन गया है तो उसी का ही एक्साइटमेंट, उत्साह जो है इन लोगों में बना हुआ है। नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर जो बहुत भव्य तरीके से स्वागत कर रहे हैं। जय जयकार यहाँ पर हो रही है, महाकाल के जयकारे लग रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के जयकारे लग रहे हैं, नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 देखिए बाबा जिंदाबाद, 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 बुलडोजर वाले बाबा जिंदाबाद, 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 देखिए पर प्रहार करो योगी जी, तुम प्रहार करो। देखिए यहाँ पर बुलडोजर वाले बाबा योगी जी को बताया जा रहा है क्योंकि उनको बुलडोजर के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी गुंडे माफिया हुआ करते थे उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का काम योगी आदित्यनाथ लगातार करते आए हैं और गुंडों का सफाया किया है। लोग यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और लोग लगातार गाने मोदी अपना लाल है, गुंडों
का काल। लोग कैसे नहीं रुकने वाले हैं ये लोग, क्योंकि ये मस्त मगन है, झूम रहे हैं। महाकाल का मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर, उसकी जो खुशी इन लोगों के अंदर है वो देखी जा सकती है। लगातार मैं आपको यहाँ की कवरेज दिखा रही हूँ, लगातार हमारी टीम यहाँ पर कल से मौजूद रही है और कल से अब तक हम आपको पूरा यहाँ पर जन सैलाब दिखा रहे हैं। और काशी विश्वनाथ में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत है वो मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। बिल्कुल मेरे इस तरफ यहाँ से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच गए हैं, और यहाँ से जो लाइव प्रसारण चल रहा है इस बड़ी स्क्रीन पर, इससे यहाँ के लोग देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री के हाथ में आप देख पा रहे होंगे एक कलश है, और उसी को लेकर वो अंदर की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर साधु संतों ने उनका स्वागत किया है। रेड कारपेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत के लिए बिछाया गया है। देखिए पुष्प भी आपको साथ में नजर आ रहे होंगे, किस तरीके से जो रास्ता बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, कितना भव्य ये नज़ारा है। भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है, और यहाँ पर जो लोग हैं हर हर महादेव के यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो मुमकिन हो पाया है काशी विश्वनाथ, जो आज इतना सुंदर नज़ारा यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो आज इतना सौंदर्यकरण काशी में हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत हो पाया है। क्योंकि यहाँ पर जब मैंने लोगों से बात की थी तो उनका यही कहना था कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कितना सुंदर नज़ारा उन्हें देखने को मिलेगा, काशी में कभी इतना स्वच्छ वातावरण होगा और इतना भव्य तरीके से ये जो कॉरिडोर काशी विश्वनाथ मंदिर का बनाया जा रहा है वो बनाया जाएगा। तो ये संभव हो पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही सरल भाव से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और यहीं से वो कॉरिडोर का उद्घाटन होगा और गंगा जल उनके हाथ में आप देख पा रहे होंगे। और देखिए यहाँ पर वो सब तरफ नज़र डालते हुए और देख रहे हैं एक एक चीज़। यहाँ ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, जितने भी लोग हैं उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। देख पा रहे होंगे आप ये लोग यहाँ पर हुडिंग कर रहे हैं, हर हर महादेव के नारे, मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लोग काफ़ी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर, और प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हैं, प्रधानमंत्री को देखने के लिए सब एकत्रित हैं, काफ़ी उत्साहित हैं। लोग चिल्ला रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए सामने मेरे स्क्रीन चलती हुई लाइव प्रसारण, अंदर काफ़ी सारे साधु संतों को लेके जाया गया है वहाँ पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। सामने जो नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ वो लाइव प्रसारण बिल्कुल अंदर से चल रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसका आज उद्घाटन होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों।